रिक्वजिशन के लिए हमें चाहिए थे, उसके लिए हमने 50 से ज़्यादा डाले और 50 से ज़्यादा हमने रेजोल्यूशन के लिए भी आप डाल दिए, दोनों में 50 से ज़्यादा डाले। लेकिन ये बताएं कि रूल्स में ये इजाजत है कि रिक्वजिशन वाले इजलास में रूल 12 क्लियर नहीं है किया जाए, रूल 12 क्लियर नहीं है इस हवाले से, रेजोल्यूशन की क्या जरूरत है, रूल्स क्या कहते हैं। एक बात ये है कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल हम रूल्स पर करेंगे, हम चेयरमैन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53(7) के नीचे जो है हमने मूव किए, जो आप रूल्स बता रहे हैं वो बात है बड़ी है, 54(3) के नीचे, 54(3) के नीचे हम। दूसरी बात है कि चूंकि ये रूल्स जो 12 आपकी बात करें वो उस वक्त होता है मूव करते हैं कि जब सेशन चल रहा हो और मुशाहिदुल्लाह सब खड़े होकर कह दें कि मैं रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूँ उसके साथ, उसके लिए 7 डेज के अंदर अंदर उनको ये वोट करनी पड़ती है। चूंकि सेशन चल नहीं रहा, हुकूमत की नीति नहीं है कोई इजलास बुलाएंगे, उनको पता है कि हम करने जा रहे हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम रिक्वजिशन करेंगे, चेयरमैन को 14 दिन के अंदर अंदर आप ये इजलास बुलाना पड़ेगा, उस पर सिंगल एजेंडा हमने रखा है, कोई और एजेंडा नहीं है, रिमूवल ऑफ चेयरमैन, तो ठीक है चूंकि जब ये अदमत का मतलब ही होता है कि जब कॉन्फिडेंस आदमी खो देता है, ये जो एलिगेशन के लिखते हैं वो इम्पीचमेंट होती है, इम्पीचमेंट अदा होती है, आपने कहा शरीयत खो चुका है, शरीयत की बुनियाद पर जाने का हमारी एक शरीयत है और हमने चेयरमैन डाला चाहिए, कोई उनके खिलाफ एलिगेशन कोई ऐसी वजह जो उनके हटाने के लिए वो कह रहे इल्जाम नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है, वो अक्सरियत नहीं रखती, थैंक यू, और कोई ऐसा मामला उनके खिलाफ।